सुरक्षा को लेकर के क्या कार्य? देखिए, शुरू से ये बार बार हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे जो भी कर्मचारी लगे हैं, पुलिस के लगे हैं या जो सफाई कर्मचारी लगे हैं या जो भी सरकारी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, सबको इस तरह के खतरा है कि चीज़ें संक्रमण फैल सकता है। और जो एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसने पथराव किया था पुलिस पे, उनकी जांच पे पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट आया है, तो उसके संपर्क में जो भी हमारे दो सब इंस्पेक्टर हैं, दो कांस्टेबल हैं, एक फोर्थ ग्रेड का एम्प्लॉई है, इनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा है, उनका परीक्षण कराएंगे। और अन्य जो हमारी जो पीपी किट्स मिली हैं उसको हम लोग थाने में दे रहे हैं, ताकि ऐसे जगहों पे जहां पर संक्रमण का डर है या ऐसे व्यक्ति जिनसे संक्रमण का डर है, लोग पूरे प्रिकॉशन के साथ उनको टच करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इससे पूरे ये केवल एक थाने में ऐसा हुआ था, सदर थाने में, तो उन सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। और आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि ये लॉकडाउन 3 तारीख तक रहेगा, इसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है, इसीलिए सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों चीज़ों को देखा जा रहा है, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है, लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है कि आप कॉपरेट करें। और अगर स्थिति सुधरेगी तो 20 तारीख के बाद से ऐसे जिले जहां पर की स्थिति अनुकूल रहेगी तो कुछ न कुछ रियायत मिलेगी। सर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा था उन गाड़ियों को भी किया जाएगा जिन गाड़ी में लेके आए थे उन्हें, सभी चीजों वो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोकॉल मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पूरा अनुपालन कराया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक सप्ताह, जो ये आने वाला एक सप्ताह है, वो कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा, उसको लेकर के आप अगर मेरठ जोन की बात की जाए तो किस तरीके के एहतियात के तौर पे लॉकडाउन पालन कराया जाएगा, क्या गाइडलाइन, क्या निर्देश जारी किए जाएंगे? आपने देखा होगा कि सभी अधिकारी हमारे फील्ड में हैं ताकि लॉकडाउन का 100% अनुपालन कराया जाए। हमारे आईजी खुद अभी गाजियाबाद में हैं, हम लोग भी राउंड ले रहे हैं, सभी जो पुलिस अधीक्षक गण हैं और जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं लगातार भ्रमणशील हैं, और हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करें। अगर जो लोग नहीं पालन करते हैं तो फिर किस तरीके की कार्रवाई? कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसका भी समय समय पे आपको विवरण दिया जाएगा, और जो लोग भी अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है अवश्य की।